बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे प्रैक्टिकल का आज क्लास है, तो प्रैक्टिकल के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया था टेलीज इम्प्लीमेंट्स को कि प्राइमरी टेलीज इम्प्लीमेंट्स कौन से हैं, सेकेंडरी टेलीज इम्प्लीमेंट कौन से हैं। उसी के साथ आज वाला जो प्रैक्टिकल है इंटरलिंक्ड है। आज बेसिकली हमने टिलेज के बारे में पढ़ा था लास्ट प्रैक्टिकल के अंदर। टिलेज क्या होती है? टिलेज इज बेसिकली द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द एम टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। तो जो टिलेज हमारी होती है, टिलेज के हवाले से यानी कि हमने ये देखा था कि टिलेज के अंदर डिफरेंट किस्म के जो इम्प्लीमेंट यूज होते हैं उसमें कुछ प्राइमरी टिलेज हैं, कुछ सेकेंडरी टिलेज हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेटरी टिलेज जो हम होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो सीड बेड प्रिपरेशन है वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे इंटर टिलेज क्या होती है, जिसे हम टर्शी टिलेज कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, लाइक वीट कंट्रोल आता है उसके अंदर, अर्थिंग अप आता है और दूसरे ऑपरेशन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। तो बेसिकली आज की इस प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा टिलेज की हिस्ट्री को देखेंगे, इसके मेरिट्स को देखेंगे, डीमेरिट्स को देखेंगे, और बेसिकली जो टाइप्स हैं जिसमें प्रिपरेटरी आ जाएगा, सीड बेड प्रिपरेशन आ जाएगा और इंटर टिलेज आ जाएगा, और थोड़ा बहुत टिलेज इम्प्लीमेंट्स को देखेंगे। उस हवाले से थोड़ा सा देखें, अगर टिलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टिलेज इज बेसिकली द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू इंप्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन। ये क्या रोल प्ले करती है कि हम जो प्रीवियस क्रॉप रेजिड्यूज है उसको इससे टिलेज से मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने कमाद की फसल काश्त की हुई थी या मक्की की फसल काश्त की हुई थी, अब हम उसी जमीन पे यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गंदम काश्त हुई है, गंदम को हार्वेस्ट के बाद उस जमीन पे कपास लगाना चाहते हैं, या चने की फसल लगाई हुई है, चने को हार्वेस्ट के बाद नई क्रॉप लगाना चाहते हैं, या शुगर केन के बाद, तो उसकी जो प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, थ्रू टिलेज मैनेज करेंगे। तो टिलेज से हमें हेल्प होती है कि हम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिसे हम वीड्स कहते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो खाद वगैरह है, जो फार्म जेड मेन्योर है, कंपोस्ट है, उसको जमीन में मिक्स करने के लिए हम टिलेज से मिक्स कर सकते हैं उसे जमीन के अंदर, और सीड बेड को प्रिपेयर कर सकते हैं टिलेज के जरिए। तो टिलेज की जो हिस्ट्री है, तो बेसिकली पहले पहले तो शायद आपको पता होगा कि आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे कि ह्यूमंस को ही, ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता था, गुलामों को यूज़ किया जाता था। ये जो अमेरिकन अमेरिका है, यूएसए, यहाँ ये यानी कि जो आपके नेग्रोव्स, हबशी वगैरह यहाँ से गुलाम बना के लेके जाया जाते थे अफ्रीका से, और वो वहाँ जाके उनसे लेबर का काम करवाया जाता था। उसके बाद फिर हूफ्ड एनिमल्स यानी कि ये जो हमारे ये आप ये देख लें कैटल बफलो वगैरह, ये इनको यूज किया गया, यानी कि जिनके ये हूफ्ड एनिमल्स को यूज किया गया, जिसमें बैल आप देखें, फिर वुडन प्लोज आ गए, स्टील प्लोज आ गए, फिर फार्म ट्रैक्टर आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये वो इटली हाँ जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेटे?
अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें टिलेज के हवाले से, तो ये हेल्प आउट करती है कि हमने जो इसका जो बेनिफिट है, जो टिलेज का बेनिफिट है, ये कि इससे हम फाइन सीड बेड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें हेल्प आउट करती है। जितनी ज्यादा टिलेज करेंगे उतना नुकसान क्या होगा कि जो आप सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उतना ज्यादा एक्सपोज होगा और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता, जो हमारा टिलेज है, जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, इनका वजन है, जब ये चलते हैं खेतों में तो ये सॉइल की कम्पेक्शन भी करते हैं, क्योंकि आपको पता जितने हमारे क्रॉप्स हैं एक्सक्लूडिंग राइस, तमाम की तमाम ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, जमीन से लेती हैं, और अगर कम्पेक्शन होगी तो वो प्रॉपर तरीके से उनकी रूट्स ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगी। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि क्रॉप ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो टिलेज सॉइल इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाती है, वाटर इरोजन को कम करती है, सॉइल इरोजन को कम करती है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बताया, बायोटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है, ठीक है, सॉइल माइक्रोबायोटा इफेक्ट होते हैं, हार्ट पेन क्रिएट होता है जब हम इतना हर दफा कल्टीवेटर यूज करते रहेंगे एक डेप्थ पे, यानी कि 6 इंच 7 इंच पे टिलेज करते रहेंगे, तो क्या होगा उसके नीचे जहाँ टिलेज कर रहे हैं उससे नीचे वाली तह में हार्ट पेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब हम क्रॉप के अंदर टिलेज के जरिए वीड्स को कंट्रोल करते हैं उससे क्रॉप भी डैमेज होती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक मैटर का बताया है, तो इससे ऑर्गेनिक मैटर का मगर भी थोड़ा सा अगर हम देखें, प्रिपरेटरी टिलेज क्या है कि जिसे हम रूट बेड प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेटरी टिलेज के बारे में आपको पता हो कि बेसिकली ये रूट बेड प्रिपरेशन है, ये की जाती है कि क्रॉप, पिछली क्रॉप के रेजिड्यूज को मैनेज किया जाए, सॉइल के अंदर कोई हार्ड पैन है उसको ब्रेक किया जाए, ताकि कमिंग क्रॉप का जो स्टैंड है अच्छा हो। तो इसके साथ साथ एक जो हमारी सीड बेड प्रिपरेशन है, वो बेसिकली सीड स्कैनिट टिलेज में आता है, उसमें हमने जो सीड बेड है उसको बिल्कुल नरम और भुरभुरा बनाना होता है, बिल्कुल जमीन सीड सॉइल को इतना सॉफ्ट कर देना होता है कि जो सीड हम सो करें वो प्रॉपर सॉइल में कवर्ड हो जाए, उसकी जर्मिनेशन इतनी अच्छी हो। इंटर टिलेज बेसिकली क्या होती है कि आप, हम जो टिलेज करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप टू कंट्रोल द वीड्स, या बाज़ औक़ात हम फसल के मुंडों के साथ मट्टी लगाते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो गिरे ना, गिरने से बच जाए, लॉजिंग से बच जाए, जिस तरह शुगर केन में किया जाता है, जो ये भी इंटर टिलेज में आता है। कुछ टिलेजेस होती हैं स्पेशल पर्पस टिलेज जिसे हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे अब कमाद के अंदर हम ब्लाइंड होइंग करते हैं, कमाद की फसल जो गन्ना अभी जर्मिनेट नहीं हुआ होता, पहले वीड्स आ जाती हैं, तो उन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम बगूड़ी के साथ होइंग करते हैं, जिसे स्पेशल पर्पस टिलेज कह सकते हैं। या हम पडलिंग करते हैं धान के, आपको पता है राइस हमारे पास दो तरह से लगता है, एक फ्लडेड कंडीशन में लगता है, स्टैंडिंग वाटर में जो लगाते हैं उसके लिए जमीन को कद्दू करना पड़ता है, तो वो पडलिंग भी किसमें आएगी, स्पेशल पर्पस टिलेज के अंदर आएगी। तो ये प्रेपरेटरी टिलेज के अंदर बेसिकली हमारी जो प्राइमरी टिलेज इंक्लूड होगी, ठीक है, जिसके बाद जो सेकेंडरी टिलेज है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, सीड को, बेड को सॉफ्ट करना है, उसे भुरभुरा करना है, क्लॉड्स जितने भी हैं उन्हें खत्म कर देना है, ताकि जो हमारी जो वी जो सीड अच्छा जर्मिनेट हो, क्रॉप का स्टैंड स्टेब्लिशमेंट अच्छा हो, हमारी प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया ठीक हो। पाकिस्तान के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनके जो लो यील्ड, पाकिस्तान के अंदर हमारी जो जो क्रॉप्स हैं उनकी लो यील्ड की एक मेन रीजन ये है कि हमारी प्लांट पॉपुलेशन खेत में पूरी नहीं होती। ठीक है, तो इंटर टिलेज में होइंग आ जाएगा, गोडी करना, हैरोइंग आ जाएगा, हम जिसमें हम बार हैरो वगैरह यूज करते हैं, अर्दिंग अप आ जाएगा, रीजिंग एंड फरोइंग आ जाएगा। तो इसके साथ स्पेशल पर्पस टिलेज के अंदर जैसे में सबसॉइलिंग आ जाएगा, लेवलिंग, ब्लाइंड टिलेज आ जाएगा, क्लीन टिलेज आ जाएगा, वेट टिलेज आ जाएगा, जिसे हम पर्डलिंग भी कहते हैं। तो बेटे आज के जो था, ये आज का प्रैक्टिकल था, तो इस हवाले से आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं 1 सेकेंड, हाँ जी बेटे, अब आप अपने कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके अपना माइक कर सकते हैं, और काइंडली एक 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 कोशिश करें, ये क्लासेस पढ़ा करें, आपका अपना बेनिफिट है, जो चीज समझ नहीं आती बेटे
एक दफा नहीं बेशक 1000 दफा पूछें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि माशाल्लाह जो जिस डिग्री में आप लोग आए हैं इसी में उसी का फ्यूचर ब्राइट होगा, जो जिसे शौक होगा पढ़ने का, जो यानी कि अपने कॉन्सेप्ट वगैरह हर फील्ड के हवाले से, हर चीज के हवाले से यानी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी हाँ जी राशिद सर। जी जी सर, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज में क्या फर्क है? ऑन सीजन टिलेज ये है कि जो हम करते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टिलेज करते हैं, अब कोई भी क्रॉप का सीजन स्टार्ट हुआ ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब गंदम का सीजन खत्म हो रहा है, कपास का सीजन शुरू हो रहा है ठीक है, ये धान का सीजन शुरू हो रहा है, तो अब हम गंदम को हार्वेस्ट करेंगे, कहीं अगर कोई जरूरत है हार्ड पैन है वहां प्राइमरी टिलेज करेंगे, फिर सेकेंडरी टिलेज करेंगे, तो ये ऑन सीजन टिलेज है। प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज टर्शियरी टिलेज ऑन सीजन टिलेज में आता है। ऑफ सीजन टिलेज ये होती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ग्राउंड वाटर जो यानी कि ट्यूबवेल लगा के हम ट्यूबवेल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, जमीन के नीचे पानी है ही नहीं, हमने क्या करना है कि बारिश का पानी स्टोर करना है। अब ये अक्सर जो है ना ये टिलेज बरानी एरियाज में की जाती है, वहाँ लोग साल में एक सीजन में क्रॉप लगाते हैं, अक्सर विंटर सीजन में क्रॉप लगाते हैं, हमारे मुल्क में ना बारिश समर सीजन में होती हैं, मानसून के मौसम में होती हैं। तो ऑफ सीजन टिलेज ये होती है कि जब कोई क्रॉप नहीं है हम जमीन के अंदर हल चला के उसे रख देंगे, हल इससे चलाएंगे ताकि जमीन ओपन अप हो और जो बारिश आए वो सारे का सारा जो पानी है वो जाया ना हो, सारे का सारा जमीन के अंदर स्टोर हो जाए और फिर उसी स्टोर मॉइस्चर पे फार्मर फसल लगाते हैं। समझ आ गई? ओके सर। सर ये जो सर हम जो राइस के लिए सर राइस के लिए जो टिलेज करते हैं सर, ये एक बार रिपीट करना कैसे करते हैं? राइस के लिए हम करते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे हम कहते हैं पडलिंग, पडलिंग को आसान अल्फाज में उर्दू में कद्दू करना भी कहते हैं, यानी कि राइस बेसिकली हमारे मुल्क में ज्यादा ग्रो किया जाता है फ्लडेड कंडीशन में ना, डायरेक्ट सीड राइस लगाया जाता है बहुत कम लगाया जाता है, तो फ्लडेड कंडीशन में बेसिकली हमने राइस के अंदर पानी स्टैंडिंग वाटर में उसे ग्रो करना होता है। अक्सर लोगों का मिसकंसेप्शन होती है, पता नहीं ये कोई ये ना देहातों में गाँव में जाओ ना लोग कहते हैं ये पता नहीं पानी की मछली है, पानी बगैर हो नहीं सकता, राइस पानी बगैर हो जाता है, मगर हम इसमें स्टैंडिंग वाटर से रखते हैं ताकि वीड्स ना ग्रो करें, अनवांटेड प्लांट्स ना ग्रो करें। तो फिर हमें क्या करना होता है कि इसकी पनीरी को शिफ्ट करने से पहले जमीन को कद्दू करना होता है, यानी कि इसके पोर स्पेसीज जो साइल के हैं उसको हमें क्या करना होता है, उसको क्लॉग करना होता है, फिर जैसे गारे की लिपाई नहीं करते तो इस तरह लकड़ी का एक सुहागा जिसे हम प्लैंकर कहते हैं वो खेत के अंदर चला देते हैं, उससे क्या होता है कि जो पोर स्पेसीज हैं वो बंद हो जाती हैं, क्ले साइल जो साइल के फाइन पार्टिकल्स हैं वो जब प्लैंकर चलाते हैं तो वो पोर स्पेसीज को बंद कर देते हैं, उससे क्या होगा कि पानी नीचे जमीन में सीपेज लॉसेज नहीं होंगे, पानी के कम से कम होंगे और फिर हमें स्टैंडिंग वाटर मिल जाएगा राइस के फील्ड में, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि वीड्स कंट्रोल हो जाएंगी और हमें बार बार पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। सर वालेकुम सलाम जी नवीद सर, ये एक नया मॉडर्न कांसेप्ट आया मिनिमम टिलेज का, सर इसे क्या मुराद है? बेटे मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट जो है उसमें यही है कि हमने सिर्फ उस जगह को टिल करना है जहाँ हमने क्रॉप को सो करना है। बेसिकली जैसे मैंने अपनी लेक्चर के अंदर भी आपको बताया कि अब लोग मिनिमम टिलेज की तरफ जा रहे हैं, जीरो टिलेज की तरफ जा रहे हैं और नो टिलेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम टिलेज क्या है कि हमने अपने टिलेज ऑपरेशन को कम करना है, जहाँ हम 3 कल्टिवेशन कर रहे हैं वहाँ हम 1 कल्टिवेशन पे आ जाए, ठीक है। और अगर इसके बाद जीरो टिलेज पे जाए, मिनिमम टिलेज है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन टिलेज ऑपरेशंस आपने कम कर देने हैं, ठीक है। जहां 3-4 दफा हम कल्टीवेटर यूज कर रहे हैं वहां 1 दफा डिस्क हैरो यूज करें और उसके बाद प्लैंकर चला के ताकि प्लॉट ब्रेक हो जाए हम फसल लगा दें। जीरो टिलेज क्या है कि हमने सिर्फ उसी जगह को डिस्टर्ब करना है जहाँ हमने सीड लगाना है, तो ये हमारे मुल्क में ऑलरेडी हो भी रही है जीरो टिलेज। ये राइस को हार्वेस्टिंग, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद वो जीरो टिलेज ड्रिल अवेलेबल है, वो उस राइस के स्टबल्स के अंदर ही वो आपकी गंदम की सोइंग कर देती है। इस तरह हैप्पी सीडर एक टिलेज इंप्लीमेंट है वो अवेलेबल है, वो जीरो टिलेज के काम आता है, वो स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर अगली क्रॉप लगा देता है। इस तरह टर्बो सीडर अवेलेबल है, वो भी यही काम आता है कि प्रीवियस क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं वो जब हम चलाते हैं उनको वो क्या करता है, क्रश करता है, ठीक है, और वो एक लाइन बनाता है, चैनल बनाता है, उस चैनल के अंदर सीड शो करता जाता है। तो ये थोड़े से कुछ इसके साथ मैं आपको एक और नो टिलेज, नो टिलेज भी की जा रही है यूएसए के अंदर ज्यादा हो रही है, उसमें क्या है कि विद द यूज ऑफ केमिकल हर्बिसाइड
वो लोग परमानेंट बेड्स बनाते हैं, खेलें जो हम परमानेंट खेलें बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, एक फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो वीड्स वगैरह ग्रो करती हैं उससे ग्रामोक्स ग्लाइफोसेट हमारी राउंड अप जिसे हम कहते हैं हर्बिसाइड के सारी वीड्स को किल कर देते हैं, उसके बाद उन्हीं बेड्स के ऊपर दोबारा नई क्रॉप लगा देते हैं। क्योंकि जब हम टिलेज नहीं करते ना तो सॉइल के अंदर हार्डपेन भी नहीं बनता, सॉइल के अंदर माइक्रोबायोटा अच्छा होता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक है ऐसा प्लॉट है जहाँ ग्रास लगा हुआ है जो काफी अरसे से खेल का मैदान है, ठीक है, उसके साथ एक फील्ड पड़ा है जहाँ हम फसलें लगाते हैं, बारिश आती है मानसून की बहुत ज्यादा बारिश आती है, जो जहाँ हम फसल लगाते हैं ना जहाँ हम कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करते हैं वहां गोटे गोटे पानी खड़ा हो जाएगा, और वो जो है ग्रासी प्लॉट है जो ग्राउंड है जहाँ कुछ सालों से कोई टिलेज नहीं हुई वहां बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा होगा, सारे का सारा पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वहां कोई हार्ड पैन नहीं है सॉइल के अंदर। समझ रहे हो बेटे? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी जी, किसी और का क्वेश्चन है? बेटे ब्लाइंड टिलेज ये है कि हमारी क्रॉप अभी जर्मिनेट नहीं हुई, ठीक है, वीड्स पहले उगाई। आपको पता है जब शुगर केन हम लगाते हैं तो ये इसकी जो स्प्राउटिंग होते होते टाइम लगता है, तो उससे पहले जड़ी बूटियां उगाती हैं, तब हम क्या करते हैं हमने वीड्स को तो कंट्रोल करने, मे बी कुछ शुगर केन की जो बर्ड्स हैं मर हुई हो मगर वो अभी जमीन से ऊपर नहीं आई, हमें नजर नहीं आ रही। जब हम वो ब्लाइंड टिलेज करेंगे मे बी थोड़ा बहुत शुगर केन के न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स अफेक्ट होंगे, मगर क्योंकि वीड्स को उस टाइम कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इन सोइंग के फौरन बाद उस वजह से हम ये ब्लाइंड टिलेज करते हैं, ये शुगर केन में की जाती है बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप, समझ लो, ठीक है, ये ऐसी हुई जो क्रॉप इमरजेंस से पहले करते हैं उसे हम ब्लाइंड टिलेज करते हैं, ठीक हो गया? हाँ जी, किसी और का गुलाम और सलीम को सवाल पूछना चाह रहा था भाई। हाँ जी भाई जवानों, किसी और क्वेश्चन है? सर ये जो मिनिमम टिलेज है ये दूसरी टिलेज से ज्यादा बेनिफिशियल है? मिनिमम टिलेज बेटे दूसरी टिलेज से बेनिफिशियल ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपका जो अर्थवर्म्स वगैरह हैं और जो साइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मगर मिनिमम टिलेज के अंदर हमने सिर्फ एक काम करना है, वीड्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना है थ्रू, समझ आ रही, उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करना पड़ेगा। मिनिमम टिलेज से नंबर वन तो आपका जो सॉइल माइक्रोबायोटा वो अच्छा होगा, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट यूज करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, समझ आ रही जी सर, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी जब सॉइल माइक्रोबायोटा एफिशिएंट होगा, और उसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, आपकी जो मशीनरी का वेयर एंड टेयर भी कम होगा, डीजल की कॉस्ट भी कम आएगी। ओके सर, थैंक यू। सर जी बेटे, सर मेरा एलएमएस पे प्रॉब्लम चल रही है सर, मुसलसल अटेंडेंस नहीं लग रही सर। बेटे यू आप इसके रिस्पांसिबल हो, मैंने ऑलरेडी एक लड़के का कांटेक्ट नंबर भेजा है, तो अपना इशू रिजॉल्व करा लो वरना आप पेपर नहीं दे सकोगे। सर वो मैंने कांटेक्ट किया था पर्सनली, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया सर। बेटे भाई मैंने तेरा नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया लड़के को, वो बना के दे देगा। काफी देर हो गई सर, अभी तक नहीं बना। मेरा इशू नहीं है ये ना, काइंडली आप लोग ना, मैंने आपसे कांटेक्ट शेयर किया कंप्यूटर साइंस वालों का, आप सर वो अहमद है सर, एक अहमद लड़का है 7th सेमेस्टर का सर, वो कर रहा है सर, उसको मैंने भेज दिए हैं, वो कुछ उन्होंने भेज दिए हैं, अभी बना रहे हैं बाकी वो भेज दिए। ठीक है, राशिद आपकी हेल्प आउट करेगा इस सवाल में। सर मैंने किए सर 2-3 मरतबा बनवा के दिए सबको। ठीक है शाबाश सर, जो भी आप एक्सटर्नल क्लास में पढ़ाएंगे सर उसको, यानी कि कॉपी पे लिखना सर ये मटेरियल वगैरह जी पे। हां प्रैक्टिकल वाला कॉपी पे आपने लिख लें। हाँ जी जवानों, कोई और क्वेश्चन? सर अर्थिंग अप क्या सिनेरियो है अर्थिंग अप का? हाँ अर्थिंग अप ये है कि सॉइल के जब जिसमें हम कमाद की शुगर केन लगाते हैं तो उसका ये होता है कि ये लॉजिंग ना हो जाए, फसल गिर ना जाए, तो फसल की मुड्डों के साथ मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, इसे हम अर्थिंग अप कहते हैं। यानी कि जब
अर्थिंग अप करते हैं तो क्या होता है कि क्रॉप के साथ मट्टी चढ़ जाती है, फिर दरमियान में यानी रिज बन जाती है और दरमियान में फरो बन जाती है, जिसमें फिर हम बाद में इरीगेशन वाटर अप्लाई करते हैं। अर्थिंग अप सिंपली यानी कि क्रॉप की जो स्टेम है उसको नीचे से मट्टी लगाते हैं ताकि वो गिरे ना, उससे थोड़ा विंड विंड इसको बर्दाश्त कर सके। ओके सर, तो ये हम करते शुगर केन के लिए ना सिर्फ ये? हाँ, मेनली शुगर केन में करते हैं, कॉटन में भी की जाती है, कॉटन में ड्रिल के साथ जब कपास कास्ट करते हैं बाद में फिर उसको भी खेलिया बना देते हैं, कपास के मोडो के साथ मट्टी चढ़ा देते हैं, ज्यादा शुगर केन भी होती है। हाँ जी, और सर अर्थिंग अप के लिए जो है सर टूल्स कौन से यूज होते हैं? बेटे इसके लिए रिजर यूज होते हैं, अर्थिंग अप के लिए बेटे रिजर यूज होते हैं। ओके सर, रिजर आपने आपको पिछली उसमें दिखाया भी था लास्ट प्रेजेंटेशन में, जो रिजिस बनाने के काम आते हैं ना वो यूज होते हैं। जी सर। हाँ जी बेटे, किसी और का क्वेश्चन? आप देखें बेटे, अनफॉर्चुनेटली तकरीबन हाफ क्लास इधर मौजूद है, आप देखें 36 हैं, और ये मैं इसको कंपेयर करूंगा, इसका रिकॉर्ड भी मैं रख रहा हूँ साथ साथ मॉडल का भी रख रहा हूँ, ठीक है। किसी और का क्वेश्चन बेटे? हाँ जी आसिम असलम, एक लड़का मोहम्मद आसिम असलम, मेरे तो ख्याल में ये मुझसे माइक में उठ के हुए और हेडफोन एक तरफ रखे हुए। हेलो सर, सुन रहे हो? ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, देख लिया आपको। चले बेटे, किसी और को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप बेटे। वसीम अकरम, आपको कोई चीज समझ आई है? वसीम yes, अकरम, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। हाँ जी, ये आसमा बशीर सुन रही हो बेटे? आसमा बशीर है क्लास में? जी सर। हाँ जी, समझ आ गई बेटे, आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी सर, मैं हूँ। बेटे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तो चलें ठीक है बेटे, फिर किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो मजीद आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे, तो कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हाँ जी हंजला सुबान। जी सर, क्वेश्चन है आपको? नो सर। चलें ठीक है बेटे, गुड लक, ओके, अल्लाह हाफिज़। यस सर, थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह।